Excuse me? Yes. Oh, new admission. Miss Komal Sharma from India. I want to meet Mr. Brahma. Which Brahma? Violin Brahma. Violin Brahma? Oof. Go inside. He's playing. Daughter of Raj Vallabh Sharma, daughter of Kishore Vallabh Sharma, Surasri Komal Sharma. मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुजी. एक मिनट ऐसे ही जरा होल्ड पर रहना. Look, all you Western people should learn this. 10 साल से मुझे बस इसी बात का तो इंतजार था. और गुरु के पैरों को छूना ये लोग अपना अपमान समझते हैं. और ये पागल लड़की, इसने तो मेरे खिलाफ शिकायत कर दी. Learn this. Music starts from the feet of the teacher. Guru, you know, you should know this. बेटी, आज मेरी वजह से वायलिन कोर्स को शास्त्रीय संगीत में जगह मिल चुकी है. तुम्हारा वो खानदानी वायलिन देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई है. मुझे उसका दीदार कराओ. मैं उसे छूना चाहता हूँ, उसे महसूस करना चाहता हूँ. गुरुजी, वो वायलिन अब नहीं रहा. क्यों, क्या हुआ उसको? टूट गया. गिर गया था? नहीं, वो किसी ने तोड़ दिया. तोड़ दिया? किसने? गलत राग की तरह इस बात का भी पता तुम्हारे पिता को चल जाएगा. ये सुनने के बाद उनका मन भी टूट जाएगा. सही कहा गुरुजी. अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये वायलिन संजू ने तोड़ा है ना? संजू कौन? वही संजू जिसके कांटे जैसे बाल, थोड़ा जमीन के ऊपर थोड़ा जमीन के नीचे, जो सब कुछ मिट्टी में मिला देता है, जो दिखता लंबा चौड़ा है लेकिन दिमाग खाली है, वही है ना? हाँ गुरुजी, बिल्कुल ऐसा ही था. मुझे पता था, वो और उसकी अजीब गैंग. अगर मुझे ऊपर वाले का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाए तो मैं उनसे ये सवाल पूछूंगा कि उस बेसुरे को धरती पर क्यों भेजा. वो संगीत के नाम पे ना एक कलंक है. उसका वो जो बैंड है ना, वो म्यूजिक का बैंड बाजा बारात निकाल देता है. मुझे पता है वो कहाँ होगा. जाके उसका वायलिन बजा के आओ. तुम्हें अब भी जाना है और जाके उसके तार को खींच के ट्यून करके आना. Gracias. Thank you. आप इंडिया से आई हैं? Oh. लगता है ये गूंगी हैं. क्या बताऊं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मैं बोल सकती हूँ. ओह, बोल सकती हो? गूंगी नहीं हो तो माइंग क्यों कर रही थी? कल झगड़े में आपने जो वायलिन तोड़ा था, उस गुंडे के सर पर मार के, वो मेरे पूर्वजों का था. मैंने कौन सा वायलिन मारा था? कल उस गोरे बदमाश से झगड़ते वक्त तुमने उसके सर पर जोर से मारा था ना, तब तुमने एक लकड़ी की टूटने की आवाज सुनी थी ना? वो चीज मेरी थी और वो कोई लकड़ी नहीं, मेरा खानदानी वायलिन था. I'm so sorry, वो मुझसे तुम्हारा वायलिन टूट गया. अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें नया वायलिन दे सकता हूँ. थैंक्स. यू वेलकम. वैसे जितना सुना था आप उतने बुरे नहीं हैं. और आप लोगों की भी जितनी बुराई सुनी वैसे. हमारे बारे में बुरा भला किसने कहा? मेरे गुरुजी ने. ये महापुरुष कौन है? मेरे प्रोफेसर वायलिन ब्रह्मा जी. वायलिन ब्रह्मा ने तुमसे ये कहा? अब समझा. और तुम्हारा क्या नाम है? कोमल. कोमल, यहाँ कैसे आना हुआ तुम्हारा? म्यूजिक सीखने के लिए. वो वायलिन की टूटी तार तुम्हें सिखाएगा, वो बेसुरा. देखो, मेरे गुरुजी के बारे में ऐसी बातें मत करो. चलो मेरा वायलिन दो. मैं जरूर देता, मगर अब उस खड़ूस का नाम सुनने के बाद नो चांस. मैं तुम्हारी शिकायत अपने गुरुजी से करूंगी. अच्छा, मैं अपने गुरुजी से शिकायत करूंगी. ए, तुम मेरी दुश्मन हो. ये तुम क्या कह रहे हो? एक बात कहूँ, यूनिवर्सिटी की टेरेस पर चढ़ जाओ और वहाँ से चिल्लाओ, वायलिन ब्रह्मा एक नंबर का फ्रॉड है, उसे म्यूजिक का एम भी नहीं आता. ऐसा करोगी ना, 5 वायलिन ला कर दूंगा. और अगर मैं धीरे से कहूंगी तो 1 वायलिन तो दोगे ना? लेकिन उसके कान में कहना पड़ेगा. कोई और रास्ता नहीं है? है ना, यहाँ से चुपचाप निकल जाओ. मैं 3 गिनने वाला हूँ, तब तक नहीं गई तो काम से गई. 1 1 2
तेरे सर पे ये गिटार फोड़ू। वायलिन ब्रह्मा की चेली। अनाड़ियो, नादानो, असुर लोगो, संगीत के लुटेरे, मेरे स्टूडेंट को देख के थर 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 कांपने की जगह तुमने उसकी बेइज्जती की, गलत शब्द का उपयोग किया। ब्रह्मा, पंडित ब्रह्मा के स्टूडेंट का तुमने अपमान किया। ए फटे हुए ढोल, यहाँ ऊंची आवाज में बात नहीं करने का। जानते हो किससे बात कर रहे हो? साक्षात पंडित ब्रह्मा तुम्हारे सामने खड़ा है। मेरे आगे ये गिटार, ड्रम्स, ये कीबोर्ड, पानी का फटे दूध की चाय है, ये सब चीजें कानों की दुश्मन है। हमें बताने वाला तू कौन है बे? तुम मेरी बात कर रहे हो? सात समुंदर पार करके अंग्रेजों के बीच में मैंने शास्त्रीय संगीत की जोत को जलाया। रास्ते में कितने तूफान आए, कितनी आंधियां चली, लेकिन मैंने जोत को बुझने नहीं दिया। और तुम पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? अरे बाप रे, बुझा दिया ये पापी जोत को, बुझा के रहेगा? ये शास्त्रीय संगीत का अपमान है, घोर अपमान। ए माँ सरस्वती तुम्हारा गाना सुन के इटली से जा रही थी, मैंने अपना वायलिन बजा के उनको यहाँ रुकने पे मजबूर किया। मेरी मत मारी गई थी कि मैं तुम्हारे पास आया। ए आदमी है फटा स्पीकर, कितनी ओवर एक्टिंग करता है। मुझे तो डाउट है तुझे म्यूजिक आता भी है या नहीं। क्या? मुझे म्यूजिक नहीं आता, मैं संगीत सम्राट हूँ। आई एम म्यूजिक, म्यूजिक आई एम। अच्छा ठीक है, आज हम दोनों में मुकाबला हो ही जाए। हाँ, हो जाए। दूध का दूध और पानी का पानी, तुम्हारा वायलिन और मेरा गिटार किसमें ज्यादा दम है तुम भी बांध लो। रेडी है? एकदम तैयार। श्री 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 रंग रंग रंगा चारुलवारी सिंगल नाद संकीर्तन आदि थारम पूर्ण कुंभ रागम। शाबाश। महाप्रभु हमसे गलती हो गई, आप जीते हम हारे, माफ कर दीजिए। तुझे माफ कर दूं? मैं हिमालय का झरना और तू गलियों में बहता हुआ नाला। तू मुझे फटा हुआ ढोल बोल रहा था ना, अब बोलती क्यों बंद होगी? बोलना कहा मैं संगीत सम्राट और तू खटमल वाली खाट, चल निकल। भूल हो गई गुरुजी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। कैसा सॉरी? सॉरी कोई एंटीसेप्टिक क्रीम है क्या? पहले जख्म दिया, फिर उसमें मलहम लगा दिया। अगर सॉरी बोलना है तो उस लड़की को सॉरी बोलो, उस लड़की के हाथ में एक नया वायलिन दो, फिर उसे सॉरी बोलो। चलो मैंने तुम्हें इतना परेशान किया इसलिए सॉरी, पर तुमने मुझे परेशान किया इसलिए थैंक्स। क्या मतलब? क्या तुम जन्म से इतनी क्यूट हो? क्यूटनेस में प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझसे यहाँ मिलने क्यों आ गई? आराम से बैठी हो ना, ये पकड़ो, होल्ड द गिटार। गिटार लड़कियों के लिए बनाया गया था, ये जो इसका कर्व है ना, बिल्कुल तुम्हारी तरह है, कम से नसीना की तरह। Where do I keep my fingers? पहले गिटार को प्यार से अपने पास ला, अपनी उंगलियां स्ट्रिंग्स पर रखो। ये पिक बेकार है, बस उंगलियों से फील करो, स्ट्रिंग्स को टच करो, जस्ट फील इट। संजू का मुझे गिटार सिखाना मैं कभी नहीं भूल सकती, वो एहसास, वो पल, उसमें कुछ अलग ही बात थी। कोमल, उसके ऊपर तुम और तुम पर गिटार, ये क्या कर रही हो? गुरुजी वो तुम उसकी गिटार पकड़ रही हो और वो तुम्हें अपनी पकड़ में ले रहा है।
क्या ये गलत है गुरुजी? तुम मेरी ब्रह्मास्त्र थी लेकिन आप तो अस्त्र वस्त्र सब बिखर गए। क्या करने यूरोप आई थी और यहाँ पे कर क्या रही हो? इस बेशरम के साथ अगर थोड़ी देर और रुकी तो शास्त्रीय संगीत तो खत्म हो गई और मैं चला जाऊंगा कोमा में। तुम्हारी पैंट किसने फाड़ी? क्या चीखड़े कर दिए? इज्जत का भाजी पला कर दिया? लूट गया मैं तेरे चक्कर में, मेरा मुँह काला हो गया। खम्बे जैसी खड़ी है चुल। ओए गुरुजी, वॉल्यूम लाउड हो रहा है। वॉल्यूम ज्यादा लग रहा है तुझे? हाँ। गिटार बजाने वाला मुझे वॉल्यूम सिखाएगा। वायलिन ब्रह्मा ब्रह्मा वायलिन। ए, तू होगा कोई ब्रह्मा वम्मा, मैं हूँ संजू संजू चौहान। हर दो कौड़ी का गुंडा अपने आप को 30 मार खा ही समझता है। अब भी दिखाता हूँ तुझे, यही रहना कहीं जो। हाँ, दिखाना। समझ गया? हेलो शर्मा जी, आपको मेरी बात सुन के शर्मा जाएगी। ऐसा क्या हो गया? आपकी बेटी पद भ्रष्ट होके नष्ट हो गई है। आपकी सेहत का ख्याल करके मैं आज तक चुप रहा, लेकिन आज आपको बताना ही पड़ रहा है कि आपका खानदानी वायलिन टूट गया। वायलिन टूट गया? किसने तोड़ा? और किसने? आवारा संजू ने। कौन है ये संजू? उसका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड वो गिटार बजाता है और हम लोग वायलिन। सदियों से वेस्टर्न म्यूजिक क्लासिकल म्यूजिक को डराने की कोशिश कर रहा है। शास्त्रीय संगीत डेंजर जोन में है। कोमल को भी संभालना मुश्किल हो गया है, उसे भी अपने पास बुला लो। जानती हो तुम्हारी बेटी ने क्या किया? खानदानी वायलिन तोड़ दिया, हमारी परंपरा को तोड़ दिया। अब मैं दादाजी को क्या जवाब दूंगा? ऊपर जाओगे तब जवाब देना, पहले बेटी के हालचाल तो पूछ लो। वायलिन के साथ हमारी बेटी की भी ट्यूनिंग बिगड़ गई है। उस बूढ़े ने शादी नहीं की, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में बूढ़े का दिमाग सटा गया है। उसकी बातों पर ध्यान क्यों दे रहे हो? भाभी जी मेरा हाल पूछ रही है ना। तुम्हारी भाभी को सिर्फ अपनी बेटी की ही चिंता है की परवाह। भूल गए उसने क्या किया था? खुद तो वायलिन लेकर चोरों की तरह घर छोड़कर यूरोप भाग गया था और अब बड़ा आया हमें हमारी बेटी के बारे में प्रवचन देने वाला। लाओ मैं उस बूढ़े की खबर लेती हूँ। भाई साहब तबीयत ठीक है ना? घबराओ मत, मैंने सब सुन लिया। एक मैं हूँ कि जी जान लगा कि आपकी बेटी को नंबर वन वायलिन प्लेयर बनाने की सोच रहा हूँ, लेकिन अब गिटार आ गया है टिंग टिंग टिंग। मैं अब आपकी बेटी को फोन दे रहा हूँ, उसी से बात करो और मेरा पीछा छोड़ दो। लो बात करो। कौन है वो लड़का? संजू ना बहुत अच्छा लड़का है माँ, अगर इतना अच्छा है तो उसे हाथ से क्यों जाने देना? अच्छा बताओ वो करता क्या है? वो एक बहुत ही फेमस गिटार प्लेयर है माँ। मैं? वो एक फेमस गिटार प्लेयर है, असल में वो लुच्चा लफंगा है। गिटार तो छोड़ो, उसे ताली तक बजाना नहीं आता। तू बिल्कुल टेंशन मत लेना बेटा, जल्दी से उसका पता भेज दे, तुम्हारे पापा उसके पापा से बात करेंगे। जाइए लड़के वालों से बात कीजिए। मैं क्यों जाऊँ बात करने? तो क्या पड़ोसी जाएंगे? नहीं जाओगे? नहीं जाओगे? देखा आपने, पति जब पुराना हो जाता है तो पत्नी के हाथ का वायलिन। क्या हुआ? फिर वायलिन बजाना शुरू किया?